हमारा सेशन है वो जेंडर पैरिटी इन पॉलिटिक्स पे है, जैसे कि आप ट्विटर से देख सकते देख चुके होंगे। इसमें शीतल मैम, मैंने आपसे रिक्वेस्ट भेजा है आपको स्पीकर के लिए, आप उसको वहां से एक्सेप्ट कीजिए, हम फिर से भेजते हैं आपको मैम। हाँ, आई थिंक शीतल मैम सुन पा रही बा होंगी। हाँ, हाँ मुरारी जी, आपकी आवाज तो आ रही है पर आप दिख नहीं रहे इसमें। अच्छा, लेकिन मैं देख रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, आवाज ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, जी और शीतल जी को किसी तरह स्पीकर राइट आप दीजिए। शीतल मैम, मैं आपको बार बार भेज रहा हूँ, बस आपके देखिए स्क्रीन पे पॉपअप जा रहा होगा हाँ विन हाँ विकास सेंट। हाँ तो काइंडली आप उसको, मैं फिर से भेजता हूँ, आप उसको इनवाइट कर लीजिएगा, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अच्छा, वो एग्जिट ही हो गई हैं अभी। नहीं है, अब स्पीकर हैं वो। वेरी गुड। हाँ, आज मैं देख रहा हूँ, मेरे मित्र हैं सुदीप जी, डॉक्टर सुदीप, वो भी जुड़े हुए हैं आज। और आज सबसे बड़ी बात, कितनी खुशी की बात है कि आज डाइट में हमारा सेशन था, हाँ हाँ कंसर्न डाइट्स में और एससीआरटी में। ये टीचर का हाँ डेडिकेशन देखिए कि टीचर कम्युनिटी को जो कहीं ना कहीं पुराने से एक छाप बनाई जा रही थी, एक उसका वो बनाया जा रहा, छवि बनाई गई थी कि हाँ 10 बजे हाँ से 5 बजे तक अपने अपने कंसर्न डाइट और एससीआरटी में सेशन लेने के बाद, जिसमें बिल्कुल कि 10 से 5 नहीं था, वो 9 से 6 था वो एग्जैक्टली, आप समझिए, तो क्योंकि 1 घंटे बिल्कुल का बिल्कुल लगभग रास्ता होगा। और उसके बिल्कुल बाद हमारे इतने सारे लोग इस एकेडमिक डिस्कोर्स में वॉलंटरली जुड़ रहे हैं, इंटरेस्ट से जुड़ रहे हैं। इसके लिए चंदन जी, सुमन मैम, मोनिका मैम, मीनाक्षी मैम जो कंटिन्यूअसली हमारे साथ हैं, और हाँ, भी कई लोग हैं, अजय सर, अनु मैम, भारत जी हैं, कई सारे लोग हैं जिनका बहुत बहुत थैंक यू। शीतल मैम, अगर आप चाहें तो आप शुरुआत कर सकती हैं। शीतल मैम के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। शीतल मैम, आपको हमारी आवाज आ रही है ना? आप अपने बोलने के लिए माइक को अनम्यूट कीजिएगा, तब आप बोल पाएंगी। वो अनम्यूटेड ही हैं, बोल सकती हैं मुझे लगता है। सर शीतल मेरी मैम, आवाज आ रही है आपको? हाँ एकदम आपकी क्रिस्टल आवाज आ रही है, क्लियर। परफेक्ट हाँ, मैम। ठीक है। हाँ तो मैं शीतल मैम के बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूं कि शीतल मैम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में लेक्चरर के पद पे हैं, और इनका भी करंट स्कूल जो है ये GBEEESKVGTB नगर है, और ये इन एनसीईआरटी में, एससीईआरटी में विभिन्न प्रोजेक्ट्स पे काम करती रहती हैं। एनसीईआरटी में विभिन्न टॉपिक्स पे इनके लेक्चर्स हैं, जिसको हम इनके यूट्यूब से माध्यम से देख सकते हैं या एनसीईआरटी के लिंक से देख सकते हैं। और ये अपने स्कूल की TDC भी हैं और पब्लिक रिलेशन कोऑर्डिनेटर भी हैं, और ये प्रोग्राम के बारे में ये कंटिन्यूअसली हमारे साथ जुड़ते रही हैं, और इन्होंने अपना एक सेल्फ इंटरेस्ट दिखाया था कि सर ये टॉपिक बड़ा अच्छा है। उन्होंने पूछा कि सर नेक्स्ट टॉपिक आप लोग क्या डिसाइड करेंगे, तो मुरारी जी से जैसे पता चला कि जेंडर पैरिटी पे है, तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि सर ये तो मेरे बस दिल के करीब मुद्दा है, मैं इस पे चाहती हूँ कि कुछ मैं भी बोलूँ इस पे। तो फिर मैंने मुरारी जी ने इनको बोलने के, इनको मॉडरेटर ही बना दिया इस टॉपिक पे आज के। तो शीतल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके पहले मैं उनको इन्वाइट करने के पहले मैं मुरारी झा से रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली एक बार मैम का वेलकम कर लें और फिर हम सेशन को शुरू जी करें। विकास, दो मुद्दों पे ये खास और है कि शीतल जी इसको मॉडरेट कर रही हैं। एक तो हम इंडियन पॉलिटिक्स में जेंडर पैरिटी की बात करने वाले हैं, जिसमें खास करके महिलाओं के जो लेस रिप्रेजेंटेशन का मामला है वो आएगा, तो इससे बेहतर क्या होगा कि एक सशक्त महिला इसको मॉडरेट कर रही हैं। और दूसरा कि जो ये पूरा आइडिया है सोशल साइंस फॉर सोशल लाइफ, उसका एक बहुत स्ट्रांग पहलू है ये अपने सब्जेक्ट डोमेन से बाहर निकले। तो शीतल जी हिंदी की लेक्चरर हैं, तो मुझे लगता है एकदम वो यथार्थ हो रहा है कि हम इसको सब्जेक्ट डोमेन से बाहर निकाल करके जो सोशल साइंस फॉर सोशल लाइफ का कॉन्सेप्ट है वो चरितार्थ हो रहा है। तो दीज आर द टू वेरी स्पेशल ओकेजन जो शीतल जी के मॉडरेट करने से होगा, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ और उनको अभी हैंड ओवर करते हैं। और विकास, आप बीच बीच में जहां भी लगे आपके पास राइट्स होगा वो स्पीकर का वो देते रहेंगे अपना। तो बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी हम लोगों का इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। आप इस सत्र को यहाँ से आगे बढ़ा सकती हैं। विकास सर और मुरारी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करने के लिए और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए।
मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है? एकदम एकदम क्लियर। ओके तो ये प्लेटफॉर्म मुझे बड़ा एक्साइटमेंट से भर रहा था जब मैं कुछ कुछ लोगों को इस पे एज अ स्पीकर देख रही थी, तो इसीलिए मैंने विकास सर से पूछा भी कि नेक्स्ट सेशन कब है, किस टॉपिक पर है। और फिर जैसा कि आपने कहा कि जेंडर इश्यू है, और एक तो मैं सोशल साइंस की नहीं हूँ और दूसरा उस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ जिस जेंडर पैरिटी में हम बात करते हैं उसके प्रतिनिधित्व की, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि ऐसे मौके पे आप इतने ऐसे लोगों के साथ जुड़े हैं जहाँ विचारों का साझाकरण होता है, और इतने सारे लोगों को जो कि स्पेशली इस जेंडर इश्यूज पे काम कर रहे हैं, चाहे वो सोशल साइंस टीचर होने के नाते कर रहे हैं या और भी बहुत तरीके से काम कर रहे हैं, तो उनको सुनना, उनके साथ अपने विचारों को साझाकरण करना, ये मुझे एक बहुत ही अच्छा अवसर लगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि अभी मैं इतनी एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा सा नर्वस भी कि शाम को मेरे पास एनसीईआरटी से कॉल आई कि आप लाइव इंटरेक्शन के लिए कल आ जाइए, और मेरी समझ ही नहीं आया कि मुझे क्या करना है, तो मैंने कह दिया मैं कल नहीं आऊँगी तो वहाँ पे मैंने मना कर दिया सिर्फ इसी वजह से कि मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ कि बहुत अच्छा टॉपिक भी मिला है, और आपका ये प्लेटफॉर्म मुझे शुरू से ही बहुत प्रभावित कर रहा है। एक तो मुझे रिफ्लेक्टिव डायरी ये नाम जो है ये भी बड़ा प्रभावित करता है, और मैंने कल आपके कुछ पुराने ऑडियोस भी सुने और मुझे वो इंटरेक्शन इतने अच्छे लगे कि वो 47 मिनट्स का था और वो मैंने पूरा सुना कि किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर चर्चाएं की जाती हैं, और इतनी सार्थक चर्चा मुझे वो लगी। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे क्विट कर देना चाहिए, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, मुझे बहुत मज़ा आया। विकास सर उसमें स्पीकर थे और आलोक सर और आप उसमें आप भी स्पीकर थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी को मुझे देने के लिए, और तो शुरू करें सर आज की चर्चा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ओके सर, ये आज हम जिस पाठ की बात कर रहे हैं वो जाति धर्म और लैंगिक मसले से जुड़ा हुआ है, और फिर इसमें राजनीति में हम इनका प्रतिनिधित्व कैसे देखते हैं, इन तीनों की अभिव्यक्ति राजनीति में कैसे होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। विविधता हमेशा अच्छी होती है पर विषमता अच्छी नहीं होती है, तो सामाजिक जो ये विषमताएं इन तीनों टॉपिक के अंदर हमें देखने को मिलती है, और भारत में तो दिखती ही है बट वरन पूरे विश्व में भी हमें देखने को मिलती है। जाति का एक मुद्दा एक अलग कर देते हैं भारत के संदर्भ में, तो बाकी हमें देखने को मिलता है धर्म और लैंगिक मसले, तो उसमें हमें उनकी हम राजनीति में कैसे चर्चा करते हैं, उनकी अभिव्यक्ति कैसे होती है और वो सकारात्मक होती है या नकारात्मक होती है, इस पर कुछ आज हम अपने विषय को मोड़ेंगे। हमने देखा है कि पूरी दुनिया के अधिकांश देशों में ही सेक्स रेशियो कम है, कुछ स्कैंडिनेवियन देशों को अगर हम छोड़ भी दें तो कमोबेश कम ही है सेक्स रेशियो, और भारत के संदर्भ में तो वो चिंताजनक भी है। और ऐसे में फिर भी अगर हम ओवरऑल निकालेंगे, क्योंकि कुछ देशों का अच्छा भी है, तो आधी आबादी यानी 50% महिलाओं का वर्ग बनता है। फिर उसमें अगर हम ये 50% हैं तो राजनीति में उनकी हिस्सेदारी 50% क्यों सुनिश्चित नहीं कर पाए हम अभी तक, या विश्व की किसी भी संस्था में, किसी भी बड़ी संस्था में हम महिलाओं का 50% शेयर क्यों नहीं देख पाते, और तो इसके पीछे क्या कारण रहे। अभी अगर हम भारत में राजनीति में देखें तो इस बार की लोकसभा में भी, 2019 की लोकसभा में 14% के आसपास महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, और इसे हम बड़े शोर के साथ शुरू करते हैं कि ये अब तक का सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन मात्र 14% जब पूरी दुनिया की आधी आबादी इसका प्रतिनिधित्व करती हो या किसी भी देश की करती हो, तो ऐसा क्यों है। और कई बार ये हमारे लिए बड़ी चर्चा का विषय भी रहता है, और करंट अफेयर में हम बड़े जोर शोर से रट्टे भी लगा लेते हैं, याद भी कर लेते हैं। 21वीं शताब्दी में भी हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि महिला किसी उच्च पद पर पहुंची है तो अब उसे हमें करंट अफेयर में रटना होगा, पढ़ना होगा। सेलिब्रेशन जरूरी है उनके लिए जिन महिलाओं ने यहां तक की लड़ाई लड़ी है, जिसने व्यक्तिगत तौर पे उसकी लड़ाई लड़ी, और उसकी जीत से उन सारी महिलाओं के लिए ये बड़ी बात है
जिनका प्रतिनिधित्व वो महिला कर रही है, लेकिन बाकी समाज के तौर पर हम क्या देखते हैं? आज भी चंद टिक्स पे गिन लेने वाले आंकड़े हमें क्यों याद करने पड़ रहे हैं कि वहां महिला पहुंची या वहां महिला पहुंची? तो ऐसे समय में बड़ी झुंझलाहट भी होती है कि बहुत ही गिनती के ऐसे आंकड़े हमें क्यों देखने को मिल रहे हैं, हम क्यों अपने आधी आबादी को वो समान प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं? विकास सर, मैं अभी चाहूंगी कि इस पे आप भी कुछ अपनी बात रखें। थैंक यू सो मच शीतल मैम, बहुत ही मार्मिक तरीके से एक अपील के तहत, मतलब एक आंकड़े और अपील के तहत आपने सेशन को शुरुआत किया, और हम आज के सेशन में देख रहे हैं कि अच्छी खासी संख्या में महिलाएं जुड़ी हुई हैं। मोनिका मैम है, मनीषा मैम है, सुमन मैम है, अनु मैम है, सुषमा मैम है, और भी कई लोग हैं जिन, तो बहुत सही बात आपने बोली कि अगर राज्यसभा में हम देखें तो राज्यसभा की जो टोटल सीटों की संख्या है 200, चुनाव तो 245 पे ही होते हैं वैसे, 245 में सिर्फ 27 महिलाएं जो हैं राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और उसमें भी चूंकि एक राजनीतिक विषय बन जाएगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, कि उसमें से कई ऐसी महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं अपने पिता के दम पे आज वहाँ पे हैं, या किसी उनके बैकिंग डोर एंट्री है राजनीति में, किसी के मातहत कोई माध्यम बना है उनको राजनीति में लाने के लिए। आप जब लिस्ट देखेंगे तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। कुमोबेश लोकसभा में भी यही हाल है कि लगभग 543 सीटें हैं, उसमें से 79 सीट्स, और ये भी अब तक का, स्वतंत्रता के बाद अब तक की सबसे बड़ा आंकड़ा है। उसमें भी यही सेम कहानी है कि कई ऐसे लोग हैं जिनके पिता का या तो देहांत हो गया तो मजबूरी में उनके उत्तराधिकार के रूप में उनकी बेटी को लाना पड़ा, इस तरीके की भी चीजें इसमें हैं। जी 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 तो यहाँ पे इस चीज में अब मैं मुरारी जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुरारी जी, ऐसा क्यों है, इस पर क्या लगता है, क्यों ऐसा हो पाया, या फिर और पहले मैं इसके लिए रिक्वेस्ट मुरारी जी से करता हूँ, उसके बाद मैं फिर दूसरे लोगों को भी आमंत्रित करूंगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक शीतल जी ने बहुत रिलेवेंटली इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में रखा कि 50% जो हमारी आबादी है उसकी जो राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन है या एक्सप्रेशन है वो क्यों इतना कम है, जबकि डेमोक्रेसी एक तरीके से इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करती है। तो बहुत गहरा सवाल है और हमें इसको हिस्टोरिकल प्रोसेस के रूप में तो देखना ही होगा, और साथ में एक जो दुनिया भर में क्या स्थिति है। तो हमारी किताब में भी ये दिया गया है कि बाकी देशों में काफ़ी बेहतर हालात हैं, खास करके जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियाई कंट्री, जिसके लिए नॉर्डिक कंट्रीज वर्ड यूज किया गया है हमारे किताब में, तो वहाँ 30% के आसपास का रिप्रेजेंटेशन है। अमेरिका और यूरोप के देशों में भी 50% तो कहीं पे नहीं है, लेकिन ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन भारत के मामले में जब हम आते हैं तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। और आप लोगों ने ऑलरेडी डेटा की बात की, स्टेट लेजिस्लेचर्स में अगर हम जाते हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन 5% से भी कम है। और एक जो काफ़ी हौसला बढ़ाने वाली बात है कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, जिसके बारे में चर्चा हम पिछले अंक में करते रहे हैं, वहाँ पे अभी रिप्रेजेंटेशन 50% है बिकॉज ऑफ द लेजिस्लेचर। एक रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई कि हम 50% रिप्रेजेंटेशन देंगे और वहाँ पे है, और हमारी किताब में बताया जाता है कि इस तरीके से करीब करीब 10 लाख महिलाएं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंश्योर कर रही हैं हमारे लोकल बॉडीज में, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था हो या शहरों की म्यूनिसपैलिटी वाली व्यवस्था। तो टू क्वेश्चन, जो एक तो शीतल जी लगातार पूछ रही हैं कि क्यों ये कम है, और दूसरा सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है कि क्यों रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, क्यों पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जरूरी है। वन कैन आस्क कि ठीक है भाई, डिवीजन ऑफ वर्क है, कोई बाहर काम कर रहा है, कोई घर में ही है, क्यों सबको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है? तो दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन विच आई थिंक दैट द पीपल हु आर हियर दे शुड पॉन्डर अपॉन एंड दे शुड टॉक अबाउट, एंड मोर पर्टिकुलरली आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम द वुमेन रिप्रेजेंटेटिव दैट वाई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर देम। मान लीजिए हम कह सकते हैं कि भाई आपके लिए एजुकेशन खुला हुआ है, आपके लिए बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज खुले हुए हैं, व्हाई डू यू नीड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन? तो आई थिंक बिफोर आई कम टू दिस आई वुड आल्सो लाइक टू हियर फ्रॉम यू नो अदर पैनल मेंबर्स हियर। जी विकास।
बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी जी, आपने तो पूरा आंकड़ा ही क्लियर कर दिया और पूरा उसका नक्शल बताया। यहाँ पे चूंकि हम चाहते हैं कि हमारे बीच बहुत ही कुछ विद्वान साथी भी हैं, मोनिका मैम है, सुमन मैम है, मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट किया है इनवाइट के लिए, आप काइंडली उसको एक्सेप्ट करें, और जो आपको लगता है अब तब तक जब तक मैं ये करता हूँ, चंदन झा हमारे बीच है, चंदन जी आपके पास स्पीकर राइट आप एक्सेप्ट कर चुके हैं, हमारे बीच अभी जागृति मैम भी जुड़ी हुई हैं, जागृति मैम आपका स्वागत है, मैंने आपको भी स्पीकर राइट दिया है, अभी इनविटेशन दिया है, काइंडली आप उसको एक्सेप्ट करें, चंदन जी अगर आप सुन पा रहे हैं। या मनीषा या मोनिका जी भी बोल सकती हैं, लाइक उन दोनों के पास स्पीकर राइट्स हैं। हाँ सर नमस्कार, जी जी नमस्कार, नमस्कार सबको मैम। नमस्कार। सर बहुत ही बेहतरीन विषय लेकर और प्रश्न लेकर आज आप आए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने कितने ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज अचानक से सामने रख दिया जिस पे कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता। सो सर प्रश्न तो बड़े अच्छे पूछे गए हैं और आपने भी आप सबने मिलकर अच्छी विवेचना भी की है, पर मुझे लगता है कि उन कारणों को जानना ज़रूरी है कि महिलाएं इस मंच पर आना ही नहीं चाहती, उनको गहराई से जानना ज़रूरी है। उसके लिए कोई बहुत बड़ी रिसर्च नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हम सब महिलाएं भी आपस में आज यहाँ चर्चा करें तो ज़रूर ऐसे कुछ बिंदु निकलेंगे जो हमें रोकते हैं। तो जैसे आज आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं, मैं एक बार पुनः सबको कहती हूँ कि हम महिलाओं को तो कम से कम आज इस मंच पर अपने मन की बात कहनी चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे हमेशा ये डर लगता है कि यहाँ पर अभद्र भाषा का प्रयोग होता है, यहाँ पे अभद्र व्यवहार होता है जो शायद मुझे स्वीकार नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपने स्तर पे जो कर सकती हूँ स्कूल में बच्चों के साथ अपने साथी शिक्षकों के साथ मैं वहीं तक लगी रहूँ, उससे आगे आने में ही डर लगता है सर। ये मेरी स्थिति है। अब बाकी अपने साथियों से भी पूछते हैं कि उन्हें क्या लगता है। धन्यवाद। हम मोनिका मैम, आपने मुझे लगता है कि एक बहुत ही सीरियस कंसर्न उठाया है, लेकिन बहुत ऑनेस्टली अगर इस बात पे मैं कहूँ कि आपकी बात राजनीति में शुचिता की तरफ इशारा कर रही है, तो कहीं ना कहीं राजनीति से जो शुचिता है वो बहुत तेजी से कम होती जा रही है, लेकिन फिर इसका दूसरा पहलू ये है कि मैम अगर इस शुचिता को एस्टेब्लिश करने के लिए, एक हेल्दी पॉलिटिक्स को रिइंस्टेट करने के लिए, जब समाज में आधा प्रतिनिधित्व तो महिलाओं का है, जो जिस तरह से सभ्य पुरुष हैं, सिविक सोसाइटी के जो नागरिक हैं, चाहे वो मेल ही हो, अगर इस तरह की भावना लेके सब लोग फिर इस पॉलिटिक्स से दूर होते जाएंगे, तब तो इसका जो डिक्लाइन का ग्राफ है वो और तेजी से नीचे गिरेगा। तो अभी भी कुछ ऐसे हम नेता देखते हैं जो हम आप सभी के जहन में होंगे, जिनको बहुत ही उनकी एक स्वच्छ छवि रही है, बहुत ही एक उनकी एक लोक सेवक की छवि रही है, या फिर एक समाज सेवक सेवक की रूप में छवि रही है, ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है कि उनको राज्यसभा में या फिर लोकसभा में हम 2 और 12 के माध्यम से लेके आते हैं। तो महिलाओं को इस संदर्भ में मुझे लगता है कि इस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए, और कहीं ना कहीं राजनीति में जो शुचिता का जो डिग्रेड हुआ है, आप देखिए कि एक महिला ने पूरे अभी लोकसभा विधानसभा के चुनावों में एक महिला ने पूरे सिस्टम को अकेले टक्कर ली, और कहीं ना कहीं सिर्फ टक्कर नहीं, उसे फतह भी किया। ये महिलाओं का गौरव है, उनका आत्मबल है, उनकी जो जिजीविषा है, जो इस तरह के राजनीति में रह के अकेले कोई महिला कैसे एक सबसे शक्तिशाली सत्ता को हिला सकती है, इसका अभी जीता जागता उदाहरण अभी कुछ महीनों पहले हम लोगों ने रियलाइज किया है। बाकी मुरारी जी इस पे आप कुछ कहें। हाँ आई थिंक विकास, सर हाँ हाँ जी जी शीतल, जी मैम नहीं नहीं सर आप बताइए शीतल पहले। मैं आप ही को कह रहा था कि इस पे थोड़ा सा चर्चा जरूरी हाँ है मैं कि क्यों, एक मतलब तो जरूरी क्यों है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन महिलाओं के लिए। जी 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 सर मैं पहले इस पे हमने आपने दो प्रश्न रखे थे तो एक एक करके हम उस पे चर्चा कर लेते जी हैं जी कि हो क्यों नहीं पा रहा है। और इस पे मोनिका मैम ने भी प्रश्न उठाया था कि ऐसा एक टॉपिक है जिस पर चर्चा नहीं करते हम। और एक बड़ी अच्छी बात मोनिका मैम ने कही कि कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है, हम महिलाएं मिलके चर्चा कर ले तो कारण पता चल जाएंगे। तो बिल्कुल वैसा ही है। और जो विकास सर ने कहा मोनिका मैम के उस प्रश्न पे कि
क्योंकि इसके पीछे भी कारण यही है ना कि अभद्र व्यवहार, अभद्र भाषा क्यों? क्योंकि हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, जिन लोगों का रिप्रेजेंटेशन है उनका व्यवहार ऐसा है। और फिर वापस अपने प्रश्न पे आते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि राजनीति में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया है अभी तक। तो कोई भी चीज़ हो, राजनीति हो, धर्म हो, कुछ भी हो, वो होती समाज का ही हिस्सा है। तो राजनीति समाज का प्रतिनिधित्व ही कर रही है, और समाज के जो प्रभुत्वशाली वर्ग होता है वही राजनीति में जाते हैं, वही सत्ता में जाते हैं, वही निर्णायक की भूमिका में होते हैं। वंचित वर्ग तो राजनीति में हाशिए पर ही चले जाते हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व हो ही नहीं पाता। और समाज ने महिलाओं को क्या स्थान दिया है, उससे ये डिसाइड होगा कि हम राजनीति में क्यों नहीं पहुंचे। तो जब हम जेंडर की बात करते हैं, हम सभी जानते हैं कि सेक्स और जेंडर में हम जब बात करते हैं तो एक में बायोलॉजिकल की बात करते हैं और दूसरे में हम जो हमारा सोशल, हमने जो उसमें असमानता ला दी है उसकी बात करते हैं। सिमोन द बोवार ने जिस तरीके से कहा था कि औरतें पैदा नहीं होती, बनाई जाती हैं, तो वैसा हमने समाज में क्यों ऐसा किया, या पुरुष सत्ता कह सकते हैं या पितृ सत्ता कहते हैं, कि उसने ऐसा किया क्यों? तो अपने राइट्स को अच्छा रखने के लिए, अपने हाथ में प्रभुत्व रखने के लिए उन्होंने ये सब किया, और फिर वही जिनका प्रभुत्व था वो राजनीति में पहुंचे, क्योंकि राजनीति समाज का हिस्सा है। आप देखेंगे कि हमने जब जेंडर की बात करते हैं तो हम महिलाओं की सामाजिक स्थिति को इस तरीके से सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर से जोड़ देते हैं कि ये काम तुम्हारा ही है, ये तुम्हें ही करना है, और ये काम तुम कर सकती हो और ये काम तुम नहीं कर सकती हो। तो जब हम इस बात को जोड़ लेते हैं तो वहीं से ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर एक खाई को बढ़ाता चला जाता है। और अगर हम औसतन भी देखें तो एक महिला एक पुरुष से कहीं अधिक घंटे काम करती है, लेकिन उसको मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी यस मैम, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, तो अगर औसतन भी देखें तो एक महिला एक पुरुष से बहुत ज्यादा काम करती है, और उसके हिस्से में तो ना इतवार आता है ना त्योहार आता है, बल्कि ये जरूर होता है कि ये इस दिन और उसे काम ज्यादा करना पड़ जाता है। तो बात हम मोनेटाइज की जब हम करते हैं कि अच्छा जितना वो घर में जितने घंटे काम करती है, अगर उसके पैसे का आकलन निकाला जाए तो वो पुरुषों से ज्यादा होगा, ऐसा होगा, बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात ये है कि वो उस मूल्य की बात हम कर रहे हैं कि क्या उसको श्रेय मिल रहा है। और ये पितृसत्ता का जो फ्रेम है इसमें महिलाएं भी किस तरीके से शामिल हो गई हैं इतने पीढ़ियों से, इतनी शताब्दियों से, कि आप देखेंगे कि एक महिला खुद ये नहीं कह पाती है जब वो घर में काम करती है कि मैं वर्किंग हूँ, या उसका बच्चा जब स्कूल आता है और हम स्कूल में उससे पूछते हैं तो वो बताता है कि मेरे पापा ऑटो चलाते हैं या मेरे पापा ये करते हैं, मम्मी वर्किंग नहीं है। तो क्या सच में मम्मी वर्किंग नहीं है? मम्मी वर्किंग है, बस सैलरीड नहीं है। तो ये जो श्रेय हम नहीं दे रहे हैं या उस काम को अहमियत हम नहीं दे रहे हैं, ऐसा पितृसत्ता के द्वारा जो ये एस्टैब्लिश किया गया, ये बात थोड़ा सा दिक्कत करती है, ये बात है जो भेदभाव लाती है। आप सोचिए कि इतनी दिक्कत इसने पैदा की कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने जितना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, मैं वैसे लिटरेचर की हूँ, लेकिन मेरे पास ग्रेजुएशन में जब सब्जेक्ट रहा और मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस हुआ करता था, तो मुझे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बहुत देशों से बहुत फॉरवर्ड लगता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मुझे लगता है कि लोकतंत्र है प्लस ह्यूमन राइट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बेहतर हैं। लेकिन फिर भी जब महिलाओं को और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन की बात आई तो हमने डीपीएसपी में डाल दिया, और वो भेदभाव जब कंटिन्यूस रहा तो हमें इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट लाना पड़ा 1976 में। मतलब ये हद है कि महिला को उसके काम का, चाहे वो खेत में जा रही है, चाहे वो ऑफिस में जा रही है, चाहे वो मजदूरी में जा रही है, उसको समान वेतन तक नहीं मिल रहा है, उतना ही काम या उससे ज्यादा काम करने पर भी। तो इस तरीके का भेदभाव मुझे परेशान करता है, या हम किसी भी महिला को परेशान करता है। जी जी शीतल जी, मुझे लगता है कि इसी भेदभाव को एड्रेस करने के लिए जो हमारा एक और सवाल था कि क्यों जरूरी है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो उसको शायद बहुत बिल्कुल बिल्कुल बहुत एडिक्वेटली एड्रेस किया जा सकता है अगर बेहतर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो। क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से मतलब है
एक्सेस टू यू नो द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, जो हमारा संसद है, यहाँ पे जो फैसले लिए जाते हैं उसका हम सबके जीवन पे बहुत गहरा असर होता है. और इन भेदभाव का जो सामना जिसको करना पड़ता है, इफ दे विल बी देयर इन द पोजिशन टू मेक डिसीजन, तो दे विल बी लाइक परहैप्स एबल टू एड्रेस इट, मतलब मोर एफिशिएंटली, वो ज्यादा एफिशिएंटली इसको कर पाएंगे. इस किताब में ही एक बड़ा अच्छा जिक्र है, एक कार्टून बना करके दिखाया गया और कहा गया है कि इफ पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर, इजंट पावर इज ऑल्सो पॉलिटिक्स. तो उदाहरण दिखाया गया है कि पुरुषों का एक तरीके से घर के अंदर बड़ा मतलब वर्चस्व रहता है, मतलब इन मोस्ट ऑफ द फैमिली, जो अभी आपने पितृसत्ता वर्ड यूज किया. तो अगर पुरुष घर में पावरफुल है तो ये भी तो राजनीति है ना, अगर मतलब. बिल्कुल राजनीति हाँ, है. तो बड़ा सुंदर कार्टून बनाया गया है, उसमें दिखाया गया है. तो इट्स नॉट जस्ट कि महिलाएं अगर पॉलिटिक्स में आकर के आना चाहती थी, इट्स अबाउट पावर. तो अगर पावर और पॉलिटिक्स ऐसे बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो घर में पुरुषों का पावरफुल होना भी इज लाइक बीइंग पॉलिटिकल, वो भी राजनीति है ना. और बिल्कुल सर. मैं एक्चुअली जब आप पितृसत्ता की बात कर रही थी, तो आई थिंक जो भी हमारे यहाँ पे लिसनर हैं, इफ दे गेट अ चांस दे मस्ट रीड अ वेरी वंडरफुल बुक कृष्ण कुमार जी का है, चूड़ी बाजार में लड़की, जिसमें इस बिल्कुल पूरे बिल्कुल आइडिया को सर. समझने में बहुत मदद करता है, पितृसत्ता और कल्चर का कैसा इम्पैक्ट होता है इन चीजों को कैरी फॉरवर्ड करने में. तो इस पे हमें सर वही जी आपका जो दूसरा प्रश्न था कि क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जब होगा तो जो भेदभाव हो रहा है, अगर वही वर्ग वहां पहुंचेगा तो वो ये देख पाएगा ना कि अब मुझे क्या करना अगला स्टेप. तो आपके जो दूसरा प्रश्न था कि क्यों रिप्रेजेंटेशन जरूरी है और क्यों नहीं जरूरी है. जी अब एक चीज और मैं देखती हूँ कि इतने धड़ल्ले से कह दिया जाता है कि महिलाएं तो फिजिकली पावरफुल ही नहीं होती है ना, तो ये तर्क दिया जाता है. तो सबसे बड़ी बात तो है कि एक तो हर जगह ना दंगल नहीं लड़ना होता हमें, और नहीं बहुत मैम, सारी जहां लड़ाइयां सिर्फ मानसिक और बौद्धिक होती हैं. एक एक और चीज दूसरी देखें तो ओलंपिक्स का एग्जाम. हेलो. बिल्कुल मैम, वही हम वही ओलंपिक्स का एग्जाम, फिजिकल अच्छा एंड्योरेंस की अगर हम बात करें तो उसका जीता जागता हम ओलंपिक्स में देख सकते हैं कि अभी तक बिल्कुल महिलाओं ने हमें बिल्कुल. ज्यादा गौरवान्वित किया है इसमें. बहुत सारे एग्जाम्पल अभी तक तो सर, मैंने तो शायद आपका स्टेटस भी देखा था जिसपे ये लिखा था कि गोल्ड तो लड़कियां ही ला रही हैं. तो मीराबाई चानू का उदाहरण हमारे सामने है, पीवी सिंधु का उदाहरण हमारे सामने है, कमलप्रीत कौर फाइनल में नहीं जीती हैं, लेकिन डिस्कस थ्रो जिस तरीके से थ्रो किया उन्होंने, या हॉकी में महिलाओं ने जो प्रदर्शन किया, किस किस तरीके से हम कह सकते हैं कि फिजिकली पावरफुल नहीं है. तो ये जो पूरा एक सिनेरियो क्रिएट किया जाता है कि महिलाएं फिजिकली पावरफुल नहीं है या वो इतनी डिसीजन मेकिंग में नहीं आ सकती हैं, अभी इस लायक नहीं है, तो ये पूरा वही जो आप मुरारी सर ने कहा कि ये राजनीति ही तो है जो पुरुष अपने घर में रह के कर रहा है, समाज में रह के कर रहा है और संसद में रह के भी कर रहा है. थैंक यू सो मच मैम. श्याम मिश्र जी ने अभी इनविटेशन का लिंक भेजा था, स्पीकर राइट क्लिक. तो श्याम मिश्र हमारे बीच हैं, और सर इस मुद्दे पे आपका आपके ट्वीट्स भी बड़े शानदार होते हैं, मैंने देखा है, उसको नोटिस किया है. अगर आप इस चर्चा में थोड़ा अपना कुछ पार्टिसिपेशन देना चाहें, या कोई भी करना चाहें. विकास भाई, चंदन बोल रहा हूँ. हाँ चंदन जी, स्वागत है आपका. तो अभी मैंने देखा कि बात चल रही है स्टेटस की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, जिसमें लोग अलग अलग चीज़ें साझा करते हैं. तो कुछ दिनों पहले अभी मैं एक कार्टूनिस्ट का कार्टून देख रहा था जिसमें उन्होंने इंग्लैंड वर्सेस इंडिया जो विमेन यू नो क्रिकेट मैच हो रहा था, उसमें एक प्लेयर है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, अगेन आई एम सॉरी फॉर दैट थिंग, कि उन्होंने कैच लिया था बाउंड्री के उस तरफ जा करके, बॉल को बाउंड्री के अंदर फेंक करके जो है वो कैच उन्होंने लिया था. और तब कई लोगों ने लिखा था कि चाहे महिला या पुरुष कोई भी क्रिकेट खेल रहा हो, क्रिकेट क्रिकेट होता है. तो मैं कहूँगा जब ये कंपैरिजन वाली बात आती है तो कहीं ना कहीं शायद मन में होता है कि वो कमतर है, इसीलिए तो कंपेयर कर रहे हैं. यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार चीज़ हो जाती है इस तरह के उदाहरणों को देखना और सुनना. पता नहीं कितना रिलेवेंट होगा, बट अमेरिका में नेटिव अमेरिकन शब्द यूज होता है, जबकि अगर आप नेटिव शब्द को ही देखेंगे तो इसका मतलब हुआ कि मूल निवासी.
और वो नेटिव अमेरिकन जो है पहले कभी इंडियन अमेरिकन हुआ करते थे, जिनको अभी ये लोग यू नो इज्जत देने के लिए नेटिव अमेरिकन कह रहे हैं। तो जब भी आप किसी के आगे वो ऐसा कुछ विशेषण लगाते हैं जो उसको अलग या इतर दिखाता है आपसे, तो कहीं ना कहीं मन में बहुत सारी चीज, नॉट मन में एक्चुअली वो डाउन द लाइन बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से वो तमाम जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, चाहे वो समाज में, लिखने में, सत्ता में या फिर घर के अंदर, वो नज़र आती हैं। तो मैं कहूँगा कि जिस तरह की अभी चीज़ जो अभी मुरारी भाई ने कही थी कि घरों के अंदर निर्णय कौन ले रहा है, मुझे याद है फर्स्ट और सेकंड एपिसोड जो है वो इसी चीज़ के ऊपर बात करने बात की थी आप लोगों ने। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि इस तरह के जो डायलॉग्स हैं वो जानबूझकर और लगातार करने की ज़रूरत है, ताकि जहाँ कहीं भी वो ऐसे कमतर वाले तुलना, और तब आप कहते नहीं नहीं जी हमारे यहाँ तो ये ऐसे हो रहा है, तो उन चीज़ों को आप एक बार यू नो ऑन द टेबल कर सकें और उसके बाद देखें कि क्या वाकई सिर्फ कहने में है या वो अंतर जो है वो कहीं ना कहीं है, और आप ज़बरदस्ती कोशिश करके यू नो स्टूल लगा करके बराबरी दिखाने की कोशिश करते हैं जबकि आप बराबर मानने को अभी भी मानसिक रूप से तैयार नहीं है। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। सर मैं कुछ कह सकती हूँ? यस मैम बिल्कुल। तो जैसे अभी चंदन भाई ने कहा कि बराबर होने का दावा तो है लेकिन मानते कितने हैं, सो इसी में एक बात जोड़ूंगी कि जिस तरह पुरुष राजनीति करते हैं तो ऐसी एक्सपेक्टेशन क्या महिलाओं से भी है कि जैसे जो पुरुष करते हैं महिलाएं भी वही करें, उनको भी वैसे ही करना है हर समय, उन्हें अपने आप को पुरुषों के समान प्रूव करना है। मतलब हम अभी एग्जांपल भी सुन रहे हैं ओलंपिक्स का कि वहाँ पर हमारी महिलाएं जो हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, बहुत सशक्त रूप से उभरी हैं, तो कहीं हम ये तो नहीं इससे समझ रहे, ये मैसेज तो नहीं है कि हमें हर चीज़ पुरुषों की तरह करनी है, या हमारा भी कोई तरीका हो सकता है, या फिर ये जो जेंडर डिफरेंसेस वाली बात है यहाँ लागू नहीं होती, या तो जेंडर डिफरेंस फैलेसी है, मतलब किस प्रकार से ये भूमिका निभाई जाए इसके बारे में थोड़ी और क्लैरिटी दीजिए प्लीज। थैंक यू। आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग जो आपने कहा कि इज इट मतलब द एजम्पशन कि वो पुरुष जैसा ही करने लगे। आई थिंक नॉट एट ऑल। आई मीन जो मुझे लगता है उनके अपने तरीके हो सकते हैं, बट आई वुड लाइक टू कम बैक अगेन टू द सेम क्वेश्चन कि वाई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, क्यों जरूरी है, क्यों आना चाहिए। तो शीतल जी अगर आप इजाजत दें तो मैं एक दो मिनट इस पे और कुछ शेयर करूं। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। तो सो बेसिकली मैं हमेशा कहता हूं अलग अलग स्टेजेस पे भी कि सी द नेचर ऑफ द पॉलिटिक्स इज कि वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज कि इट सेव्स आवर लाइफ वेरी डीपली, है ना, टू द एक्सटेंट कि आप जिन हवाओं में सांस लेती हैं वो पॉलिटिक्स से शेप होता है, आप जो पानी पी रही हैं वो पॉलिटिक्स से शेप होता है, आप जो खाना खा रहे हैं, आप जिस तरीके के कपड़े पहन रहे हैं, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द पॉलिटिक्स। मैं एक एग्जांपल से देता हूं कि सपोज आप अपने पसंद का कपड़ा पहन पा रही हैं, तो इट्स नॉट बिकॉज यू हैव द चॉइस और यू हैव द मनी टू बाय एंड वेयर इट। यू लिव इन अ लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री व्हिच इनेबल्स यू टू एक्सरसाइज दिस चॉइस, एंड दिस इज व्हाई यू आर एबल टू एक्सरसाइज दोस चॉइसेस। तो मतलब आप देखिए कि हम जो कपड़े पहने हुए हैं दैट इज डिसाइडेड बाय द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स दैट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन आवर कंट्री और इन एनी कंट्री। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी दूसरे देश में चला जाऊं जहां पे ये लिबरल डेमोक्रेसी नहीं है, मेरे पास पैसे भी होंगे तो मैं अपने पसंद का कपड़ा नहीं पहन सकता हूं। एंड आई मीन हम किसी भी चीज को लाइक मैंने जो कहा कि हम जिन हवाओं में सांस लेते हैं दैट इज डिसाइडेड बाय द पॉलिटिक्स कि उस हवा में कितना प्रदूषण होगा और हम उस प्रदूषण के साथ जिंदा रहेंगे, पॉलिटिक्स डिसाइड करता है। और अगर लोग मतलब उसको लेकर के कंसर्स होंगे, एक्टिविज्म होगा, तो शायद वो पॉल्यूशन का लेवल भी कम होगा, वो भी पॉलिटिकली ही क्लियर होगा। तो आई मीन एवरीथिंग लाइक इट हैज सच अ डीप इम्पैक्ट यू नो ऑन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। और इस फील्ड में जो थिंकर वगैरह हैं वो कहते हैं कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मोमेंट द चाइल्ड कम्स इन द वूम ऑफ अ मदर एंड यू नो टिल द लास्ट ब्रेथ तक स्टेट का या पॉलिटिक्स का इतना कंट्रोल रहता है। देन द क्वेश्चन कम्स की देर आर टू वेज, एक की वी लेट देम शेप, वो तो कर ही रहे हैं, देयर इज नो एनी वे आउट ऑफ इट,
उससे बचने का कोई उपाय नहीं है. पॉलिटिक्स विल ऑलवेज शेप हु वी आर एंड हाउ वी कंडक्ट द काइंड ऑफ डिसीजंस वी मेक. द अदर वे इज दैट इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पीपल ऑल्सो हैव अ चॉइस टू शेप द पॉलिटिक्स. कि हम सबके हाथ में भी है कि हम उसको शेप करें, हम भी उसको शेप करें, हम सिर्फ उसको अपने आप को शेप करने के लिए आजाद नहीं छोड़ें. तो ये जो मतलब एक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि एंड हियर कम्स द रोल ऑफ द वुमेन आल्सो, कि अगर एक इतनी बड़ी संख्या में मतलब मान के चलिए कि ओनली 15% इंडियन पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर रही हैं, 35% वुमेन एक तरीके से मान के चलिए कि उन्होंने छोड़ दिया हुआ है कि ठीक है वी एक्सेप्ट वी एक्नॉलेज वी लेट यू शेप आवर लाइफ द वे यू वांट. तो अगर हम इस तरीके के कहें कि कैटास्ट्रॉफी से बचना चाहते हैं या हम भी इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, हम भी शेप करना चाहते हैं, तो वी हैव टू कम पार्टिसिपेट. एंड पार्टिसिपेशन का मतलब यहाँ पे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे मोनिका जी ने कहा कि क्या पुरुष जैसे ही काम करना जरूरी होगा उसमें आने के लिए, इसी तरह पॉलिटिक्स में आने का मतलब सिर्फ लोकसभा राज्यसभा में आ जाना ही नहीं होगा. आई फील कि देर आर सेवरल डिफरेंट वेज एंड वन ऑफ यू नो द चीफ वर्क इज टू इन्फ्लुएंस और मेक इम्पोर्टेंट डिसीजन. उसको अगर आप प्रभावित करने लगे इन एनी वेज, कोई लिख रहे हैं बहुत पावरफुली, कोई पब्लिक स्पीचेस दे रहे हैं, कोई रोड पे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो दीज ऑल आर आई फील इज अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. ये सारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है. तो लाइक वी हैव टू फाइंड कि व्हिच वे सूट्स अस, और हम किस तरीके से इस पॉलिटिकल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं. और अगर ऐसा नहीं सोचते हैं और नहीं करते हैं, तो पॉलिटिकल प्रोसेस तो हमेशा ही हमें शेप करने में लगा हुआ है. तो दैट आई वांटेड टू शेयर. जी शीतल जी, एक तो सर आपने बहुत ही शानदार तरीके से ये बातें रखी कि किस तरीके से पॉलिटिकल शेयर बढ़ाया जा सकता है या किस तरीके से पॉलिटिक्स हमारे पूरे सोसाइटी को शेप देती है. जो आपने कहा कि हम सांस लेते हैं, जो कपड़ा पहनते हैं, तो दूसरी कंट्री में हम ऐसा नहीं कर पाएंगे. ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपका बोलना, बहुत ही शानदार था. और जैसा कि आपने कहा कि कई बार हम लिखते हैं या कुछ भी ऐसा करें, कुछ ऐसा एक्सरसाइज करें जिससे कि हमारा वहाँ पे पॉलिटिक्स में रोल बढ़े. हम लिख रहे हैं शानदार, हम चर्चा कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं. और आपके ही किसी एक पिछले कार्यक्रम में मैंने सुना था, लीगल सिस्टम के अगर हम बात करें तो जो संपत्ति का अधिकार महिलाओं को मिला 2005 में, हम अभी उसको भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं. तो इसके पीछे भी यही है कि हमें ये लगता है कि अगर हम महिलाएं इसको भी एक्सरसाइज करती हैं कि हम अपना हक मांगते हैं, एक तो हमें मिल ही नहीं रहा है बहुत सारी जगह पे हक, समान वेतन या बहुत सारी बातें, और जो मिल रहा है उसे लेने में भी आज भी हम इतने हेजिटेट करते हैं कि अगर हमने अधिकार मांगा तो लोग क्या कहेंगे, महिलाएं ही क्या कहेंगी, उस घर के पुरुष क्या कहेंगे, भाई क्या कहेंगे, पिता क्या कहेंगे. शायद ही विकास सर ने पिछली बार ये मुद्दा उठाया था. और तो मेरी गुजारिश है कि जिनके पास है भी पैसा, अगर वो लोग भी, क्योंकि वो लोग कहेंगे हमारे पास पैसा है हमें ज़रूरत नहीं है, पर हमारे इस एक्ट से जिन्हें ज़रूरत है उन तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाती है. क्योंकि जब एक वर्ग आगे आकर के ऐसा काम नहीं करेगा तो जिनको सचमुच में इस उत्तराधिकार की, इस संपत्ति के अधिकार की आवश्यकता है, वो वर्ग हेजिटेशन में ही रह जाएगा. तो उनका प्रतिनिधित्व महिलाओं को ही करना पड़ेगा, उन महिलाओं के लिए जिनको इसकी सचमुच में जरूरत है. तो ये भी एक कारण रहता है कि हम जैसा हमें करना चाहिए राजनीति उसको शेप करती है, प्लस महिलाएं अब आगे आकर के बहुत सारे आंदोलन हमने चलाए, बहुत सारी लड़ाइयां हमने लड़ी है जहां हम स्टैंड करते हैं वहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन अभी बहुत सारी एक बड़ा बड़ा लंबा रास्ता भी तय करना बाकी है जिसमें ये संपत्ति का अधिकार का अच्छे तरीके से एक्सरसाइज हो, ये भी बहुत ज़रूरी है. और सर मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगी कि आप ये देखेंगे कि जहाँ पे छत्तीसगढ़ या झारखंड की अगर हम बात करें, जहाँ अभी बहुत पैसा रुपया शायद जिन स्टेट में नहीं पहुँचा है, तो वहाँ पर तो महिलाओं को सेक्स सिलेक्शन के माध्यम से मारा नहीं जाता है, लेकिन जहाँ पैसा और रुपया पहुंच गया है वहाँ ये बड़े प्रोग्रेसिव होते हैं इस चीज़ में, सेक्स सिलेक्शन कराने में, क्योंकि टेक्नोलॉजी है उनके पास, पैसा उनके पास है,
ज्ञान उनके पास पहुंच गया है, तो वहाँ ये बड़ी आसानी से होता है, जैसे हरियाणा और इसके आसपास की बेल्ट की अगर हम बात करें। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एजुकेशन आ रही है, पैसा भी आ रहा है, हमारा स्टैंडर्ड भी आगे बढ़ रहा है, उसके बावजूद ये चीज़ें और देखने को मिली। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2011 की सेंसस में हम देखेंगे कि सेक्स रेशियो बढ़ा है, लेकिन 0 to 6 ईयर का सेक्स रेशियो घटा है, यानी पैदा होने वाले बच्चों का रेशियो क्यों घट गया। तो इस पर भी मैं किसी भी स्पीकर या किसी भी लिसनर से ये जानना चाहूंगी कि फिर एजुकेशन यहाँ क्या रोल प्ले कर रही है। मेरे ख्याल से श्याम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो श्याम जी आप माइक वाले बटन को दबा करके बोल सकते हैं। मनीषा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीषा जी। हाँ जी, हाँ जी, सबको नमस्कार। शीतल मैम के बात को ही आगे लेते हुए मैं कह रही, जो प्रश्न इन्होंने अभी उठाया है उससे कहना चाहूंगी कि क्या हमारी एजुकेटेड फैमिलीज में भी डिसीजन मेकर्स फीमेल्स हैं क्या? आई थिंक मेन डिसीजन मेकर्स मेल्स ही होते हैं, शायद इसी रीजन से जो आप 0 to 6 इयर्स के सेक्स रेशियो की बात कर रहे हैं, वो रीजन है। और इसी वही आगे चल के चाहे कम्युनिटी की बात करें या उसमें बात करें पॉलिटिक्स में भी, क्या मेल्स फीमेल्स की डिसीजन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है मुद्दा है। यही ये भी एक कारण है कि महिलाएं नहीं जाती हैं राजनीति में, क्योंकि उनको सुनने को ही राजी नहीं है जो उनके आसपास मेल्स हैं। मेरा ये विचार है। हेलो, हाँ दिस इज अंजू सचदेवा बोल रही हूँ। हाँ, तो जैसे ये डिस्कशन चल रहा है और अभी मनीषा मैम ने भी बोला, और जैसे डिस्कशन चल रहा है तो अगर हम जैसे पिछले हफ्तों में भी बात करते रहे कि अभी हम देखते हैं कि 50% हमारी जो थर्ड टीयर की गवर्नमेंट में महिलाओं का जो भागीदारी है, पर क्या हम ये मान सकते हैं कि वास्तव में सत्ता उनके हाथ में है? क्या वो वहां पे डिसीजन ले सकती हैं? क्योंकि पिछले हफ्तों में हमने ये चर्चा जब करी कि कैसे प्रधानपति, जो हम देखें कि जो पंचायती राज में जो सरपंच महिलाएं आई, उन्हें क्योंकि सीट्स रिजर्व हो गई फीमेल के लिए, और उनके पतियों ने या जो वहां पुरुष वर्ग था उन्होंने उन महिलाओं को वहां सीट्स के लिए खड़ा किया, जीत भी गई, परंतु असल में सत्ता अभी भी पुरुषों के पास ही रही। और इसके अलावा अगर हम देखें कि यही आरक्षण का मुद्दा, महिलाओं के ये सीट रिजर्वेशन का जो मुद्दा है, वो हम विधानसभा या हम जो अपने संसद के लिए भी देखें, अगर एमपी के लिए भी, तो अभी तक इतने टाइम से वो मुद्दा लटका ही हुआ है। और वो सभी राजनीतिक पार्टियां, ये नहीं कि कोई एक राजनीतिक पार्टी, सभी राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। तो महिलाओं का अगर उन्हें सीट मिल भी जाती है, एक तो सबसे पहले मुझे तो रिजर्वेशन पे ही वो रहता है कि रिजर्वेशन क्यों हो महिलाओं के लिए, उन्हें पूरा राइट होना चाहिए, वो किसी भी सीट के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती हैं, लेकिन उनके लिए रिजर्व करना, और फिर अगर वो जीत भी जाती हैं, रिजर्व मतलब जबरदस्ती हम ले रहे हैं महिलाओं का हिस्सा वहां पर, और अगर वो जीत भी जाती हैं तो भी असल में पावर जो सत्ता है उनके हाथ में नहीं आती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि भागीदारी होने के बावजूद भी जो रियल में भागीदारी है वो नहीं हो रही है। थैंक यू। आपका ये कंसर्न बहुत जेन्युइन है मैम, इस पे थोड़ा सा एक पॉजिटिव नोशन की तरफ में हम सोचते हैं इसमें कि विकास, विकास जरा एक सेकंड में आपसे, ये श्याम मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा इनको स्पीकर राइट दे करके इनको बोलने की। हाँ। स्पीकर राइट दिया, और मैं 2-3 बार इनवाइट भी किया, पर ये शायद श्याम जी जरा देखिए आप वो राइट एक्सेप्ट करके आप अगर चाहते हैं तो बोलिए। नहीं, राइट इन्होंने इनविटेशन मुझे दिया था। अच्छा, रिक्वेस्ट मुझे, मैंने एक्सेप्ट भी कर दिया, और ये स्पीकर राइट दिख भी रहा है इनका। अच्छा, ओके जी विकास। पर सर यहाँ पे तो सिर्फ लिसनर ही आ रहे हैं सर, अगर हम सामने देखें स्क्रीन पे तो
वो कुछ ट्विटर का कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। वैसे मैंने 10 लोगों को इसमें हम मैक्सिमम एक वो बना स्पीकर बना सकते हैं और मैंने 10 लोगों को बनाया हुआ है यहाँ से। हाँ, श्याम मिश्र जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? खैर बहरहाल मैं अंजू सचदेवा मैम के बात का इस बात से जवाब दूं कि मैम आपकी बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं जो आपका इशारा पंचायत पति या मुखिया पति के रूप में था, जो कि एक प्रचलित शब्द है बिहार में, यूपी में और हर जगह, और 50% तो अभी भी कुछ राज्यों में ही है। और बिहार राज्य ने शुरू किया था पंचायती राज कानून जो है वो अभी भी 33% की ही बात करता है। खैर बहरहाल उसमें ये जरूर है मैम कि जो शुरुआत हुई थी इसमें कहा जाता है सोशल बिलीफ कैसे बनता है, एक सामाजिक विश्वास, तो सामाजिक विश्वास सामाजिक प्रैक्टिस से बनता है। निश्चित रूप से जब महिलाओं को पंचायती राज में इस तरह के अधिकार रिजर्वेशन के तहत ही दिए गए, मजबूरी में कम से कम वो जो वर्चस्व पुरुष का वर्चस्व था पंचायती राज में, मुखिया में, सरपंच में, या जिला परिषद में अध्यक्ष में, या ब्लॉक परिषद अध्यक्ष में, वहां जो पुरुषों का वर्चस्व था उसमें सबसे पहली चीज की सीटों को रिजर्व किया जाने लगा। अब मजबूरी में चाहे साइन कराने के लिए ही या अंगूठा लगवाने के लिए ही एक दिन महिलाओं को घर की चहारदीवारी से बाहर निकालना अनिवार्यता बन गई, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसकी मीटिंग होती है। धीरे धीरे इसका बिहार जब सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आप रिसर्च में देखेंगे तो महिलाओं का जो घूंघट था उसका दायरा थोड़ा धीरे धीरे कम हुआ। ये किताब में बहुत अच्छी बात, इसका मतलब ये हुआ कि महिलाएं जैसे जैसे बाहरी दुनिया से उनका परिचय हुआ, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक चेतना के भाव का, उनके अधिकारों के भाव का विकास हुआ, और जब धीरे धीरे करके पुरुषों को भी ये समझ में आया कि अब इन पे हम बहुत समय तक हेजिमोनियल तरीके से शासन नहीं कर सकते, क्योंकि इनका भी अपना विवेक और अधिकार जाग रहा है, महिलाएं प्रश्न पूछने लगी, और इसका एक बड़ा ही सकारात्मक रूप दिखा है पंचायती राज चुनाव व्यवस्था में। तो मैं तो इसको, इस रिजर्वेशन को फिलहाल तात्कालिक रूप में उनको इमेंसिपेट करने के लिए बुरा नहीं मानता। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि हम जब इकोनॉमिक इंक्लूजन की बात करते हैं तब भी हम यही करते हैं कि पहले किसी तरीके से खाता खुल जाए, सेविंग्स होनी शुरू हो जाए, तो इस तरीके से उसको ये पता होगा कि हाँ मेरे पास एक अकाउंट है, या डिजिटली उसको हम जोड़ने की बात करते हैं, अमाउंट कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, पेंशन योजना और ये सब, तो सरकार ये चाहती है कि किसी तरीके से आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ हाथ बढ़ाएं, फिर उसके बाद धीरे धीरे सत्ता आ ही जाएगी। और इसमें भी यही हुआ जो आपने कहा कि धीरे धीरे घूंघट वाली जो बात कही, कि जब है ही नहीं तो रिजर्वेशन के माध्यम से बाध्यता लादते हुए ही हम उन महिलाओं को एक दिन हस्ताक्षर के लिए अगर बाहर भेज रहे हैं तो उनमें से कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो अगली बार के चुनाव में पहले से कहीं बेहतर खड़े होगा, तो वो महिलाएं पिछली बार से अगली बार अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगी और धीरे धीरे इससे जुड़ पाएंगी। और मैम ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि लोकसभा में सारी पार्टियां मिलकर के एक हो जाती हैं और इसका विरोध करती हैं, तो यहाँ वही पुरुष वर्चस्व की बात ही आती है कि वो जो लोग बैठे हैं वो चाहेंगे ही नहीं या चाहते ही नहीं अभी भी कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो पाए, और नहीं तो विल पावर की ही कमी है ना, क्योंकि 370 जिसको हमने कभी नहीं सोचा था कि वो भी कभी हटाया जा सकता है इस देश से, पर जब संसद ने मिलके ठान लिया अपनी बिल पावर के साथ, तो जब वो कानून पास हो सकता है, उसे हटाया जा सकता है, तो बिल पावर से 50% रिजर्वेशन या 33% रिजर्वेशन की जिसकी हम बात करते हैं, एटलीस्ट 33% वो भी लाया जा सकता है। तो मैम ने बड़ी अच्छी बात कही है कि हम क्यों नहीं ला पा रहे, या यहाँ भी पॉलिटिक्स में जिन लोगों का वर्चस्व है, समाज में जिन लोगों का वर्चस्व है, उसी कारण से आज भी हम इसको आगे नहीं ले जा पा रहे। एक चीज और मैंने देखी है कि सोसाइटी में सिनेमा है, सिनेमा से सोसाइटी है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मुझे शुरू से ही कई 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 सालों से, अपने कॉलेज टाइम से या शायद उससे भी पहले से, एक चीज बहुत खटकती है कि जब भी हम दिखाते हैं जेंडर बेस्ड एड ही मैंने देखे हैं हमेशा, कि महिला किचन से कुछ बना के ला रही है, चाहे वो सफोला का ऐड हो, चाहे वो चाय का ऐड हो, हमेशा सिर्फ महिला किचन से निकलती हुई दिखाई जाती है। पुरुष अखबार पढ़ने बैठा होगा या वो टेलीविजन का रिमोट लेके बैठा होगा,
या ऐसे ही पार्क में बाहर कुर्सी पे बैठा होगा और फिर किचन से महिला आएगी और चाय लेकर के या कुछ ऐसा लेकर के। तो हमारे विज्ञापन या हमारा सिनेमा भी हमें वही दिखा रहा है कि आप इस काम के लिए बने हैं और पुरुष इस काम के लिए बना है। पर हाल ही में एक बड़ी राहत की सांस ली मैंने जब मैंने कुछ एड में ये हल्का हल्का परिवर्तन देखना शुरू किया है। 2-3 एड हैं जिन पे मैंने सोचा है कि मैं इन पे लिखूं और मैंने उनको लिखा है। बट अभी जो मुझे सिर्फ याद आ रहा है, आप सभी ने वो एक ऐड देखा होगा, अभी एलेक्सा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐड आता है जिसमें जो हस्बैंड है वो आम काट रहा है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक महिला मतलब उनकी जो पत्नी है वो कुछ नोट्स बना रही है। इसी तरीके के कई ऐड हमने हाल फिलहाल में देखने को मिले हैं जो कि चेंज को दिखाता है। यानी हमारी जो वॉइस हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर उठाते हैं या दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर उठाते हैं वो धीरे धीरे ही सही परिवर्तन की ओर ले जाती है। और तब वो ऐड पूरा आता है कि एलेक्सा से वो कहता है कि एसी चला दीजिए ताकि वो वाइफ के बाल थोड़े हवा में लहरा सके। तो उसमें एलेक्सा से ज्यादा मुझे जो इस चेंज ने प्रभावित किया कि विदेशी कंपनी ही अमेजोन सही कम से कम ऐसी शुरुआत तो करती है जहां पुरुष आम काट रहा है और महिला नोट्स बना रही है। तो ये हल्की हल्की जो शुरुआत है ये ऐसे ही प्लेटफॉर्म से होती है। शायद किसी ने स्पीकर ऑन किया है। मैम यहाँ पे मैं एक चीज और थोड़ा, चूंकि ये बड़ा एक क्रिटिकल ही मंच है हमारा कि अमेज़न जहाँ की कंपनी है यूएसए, वहाँ की भी हम पॉलिटिकल पैरिटी की बात करें तो अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है अपने 250 सालों के संसदीय इतिहास में एक भी फीमेल राष्ट्रपति नहीं दे पाया। इस बार पूरी उम्मीद बन रही थी लेकिन लास्ट समय में वही है पुरुषों का जो डोमिनेंस था उन्होंने पूरा गेम प्लान करते हुए बनते बनते वहां पे रोक दिया गया। और इनफैक्ट संसदीय लोकतंत्र को दुनिया में शुरू करने वाला जो देश है ब्रिटेन, वहां भी अगर हम देखें तो अभी तक इतने लंबे इतिहास में सिर्फ 2 लोग ही बन पाए हैं, एक तो मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे। और इस समय भी हम विश्व में 420 देशों में बात करें तो सिर्फ 13 या 14 ऐसे देश हैं। ये पूरा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है जी। इसमें ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक जहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि श्रम का घरेलू मूल्य सिद्धांत, ये मार्क्स ने भी इस पे बहुत, मार्क्स ने तो लिखा है श्रम का मूल्य सिद्धांत पे लिखा है, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ लेबर, लेकिन उसका जो घरेलू सिद्धांत है उस पे भी जब इस चैप्टर में बहुत शानदार तरीके से किया गया होगा, या तो मैं तो आप या फिर मुरारी जी या फिर कोई भी चाहे तो उस पे चर्चा को आगे बढ़ा सकता है। हाँ, एक जो बीच में आया था मेरे ख्याल से मनीषा मैम ने और शायद अंजू मैम ने रेज किया था वो इशू कि क्यों बॉय चाइल्ड के लिए प्रेफरेंस रहता है और सेक्स सिलेक्शन, और शीतल ने भी इस सवाल को उठाया था। तो मेरी मतलब मैंने जो रिसेंटली पढ़ा करीब 6 महीने पहले जिस किताब का मैंने जिक्र किया था चूड़ी बाजार की, उसको पढ़ते हुए एक बड़ा जबरदस्त रिवेलेशन हुआ। उससे पहले मुझे भी लगता था कि एजुकेशन बड़ी क्रांतिकारी चीज है, मतलब जैसा कि आप लोगों ने सवाल में भी पूछा था कि पढ़े लिखे लोग हैं और फिर ऐसा क्यों होता है। तो आई फेल्ट रीडिंग दैट बुक की जो कल्चरल फोर्सेज है वो इतना पावरफुल है, कि उसके सामने जो हमारा एजुकेशनल कंस्ट्रक्ट है जो हम स्कूलों के जरिए अपने बच्चों को देते हैं वो एकदम धाराशायी हो जाता है जैसे ही उसका मुकाबला कहीं कल्चरल फोर्सेस के साथ होता है। तो इसलिए हम देखते हैं इंजीनियर, डॉक्टर या जो भी कहें साइंटिस्ट, एक बेटी पैदा होता है उसके 7 साल के बाद, उसके 10 साल के बाद वो फिर से कहीं ना कहीं से एक बेटा पैदा कर लेते हैं, या आई मीन वॉट एवर इस तरीके के प्रोसेस में वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो वही उनका मुकाबला वो कल्चरल फोर्सेस के साथ होता है और उनकी जितनी भी शिक्षा रहती है वो एक तरीके से धाराशाही हो जाती है उसके सामने। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मतलब जेंडर, मुझे लगता है कि जो 75 ईयर के आसपास का हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया का एक एजुकेशनल जर्नी रहा है वो उसने इन तमाम मामलों पर कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं किया है, चाहे वो बात कास्ट आइडेंटिटी को ट्रांसफॉर्म करने की हो या रिलीजियस आइडेंटिटी को ट्रांसफॉर्म करने की हो या जेंडर इक्वालिटी के सेंस को डेवलप करने को लेकर के हो, बहुत लिमिटेड ही रहा है। और जिस तरीके का एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं वो रटवाना और एग्जाम पास करना वो इस कल्चरल फोर्सेस के सामने एकदम कहीं नहीं ठहरता है। तो दिस इज अ मेजर कंसर्न आई थिंक।
कि हम जिस प्रोफेशन में है उसको भी शायद बहुत ज्यादा, वो अगर इसी तरीके से नंबर लाना है, इंजीनियर बन जाना है, यहाँ एडमिशन हो जाना है, अगर इन सब चीजों पे ही फोकस रहेगा तो जो कल्चरल फोर्सेज हमारे सामने जो चैलेंज लेकर के आता है उसका मुकाबला हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जी सर, मैं कुछ जोड़ सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो सर, आप सबकी बातें सुनकर और खुद से सोचकर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि हम परिवर्तन चाहते हैं तो शायद स्कूल से ही शुरू करना होगा। जैसे अभी आपने कहा कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो स्कूल में ही ये पितृसत्ता और ये जो आपने बोला कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस हैं, इन सबको चैलेंज करना होगा और कोशिश करनी होगी कि इनकी जड़ें मजबूत ना हो। एक परिवार में जहाँ, जैसे अभी मनीषा मैम ने भी कहा, मुख्यतः जो निर्णय हैं वो घर का मुखिया यानी या तो पिता या तो पति या तो पुत्र लेते हैं, और बहुत बहुत अच्छे होंगे तो शायद आपसे थोड़ा सलाह मशवरा कर लेंगे, आपकी राय जान लेंगे, लेकिन इसको इसको एकदम से तो बदल नहीं सकते हम परिवारों में। जैसे आप कह रहे हैं 75 ईयर्स के बाद भी ज़्यादा चेंज नहीं है, कोशिश ज़रूर है। सो इसको फिर इसको स्कूल में एड्रेस करना होगा, खासकर जहाँ कोएड स्कूल्स हैं वहाँ पर बराबर के मौके देने होंगे, वहाँ किसी भी प्रकार से ऐसी भाषा का प्रयोग ना हो कि एक लड़की को लगे कि वो लड़की है तो उसे पीछे रहना है या चुप रहना है या कम बोलना है। वहाँ स्टेज पर बोलने के मौके बराबर हों, वहाँ सोचने के और अपने आइडियाज़ को शेयर करने के मौके बराबर हों। अक्सर लड़कियों को स्नब कर दिया जाता है कि तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता इस दुनिया के बारे में, तुम्हारी सोच कम है वगैरह वगैरह, वो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें ग्राउंड लेवल पे चेंज करनी होगी, अपने अपने विद्यालयों से ही फिर शुरुआत करनी होगी, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत ही बहुत मतलब आपने गहराई में जाके इस चीज को पकड़ा मैम, और इसलिए हमारे बीच यहाँ पे जितने टीचर्स हैं, मैं देख रहा हूँ कि एक इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच है यहाँ पे, दूसरे सब्जेक्ट के भी टीचर्स हैं। सोशल साइंस की दो चैप्टर्स हैं, एटलीस्ट मेरा आप सबसे बीइंग ए टीचर ऑफ सोशल साइंस रिक्वेस्ट है कि एक तो लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, मतलब आपको मुश्किल से आधा घंटा लगेगा इस चैप्टर को पढ़ने में। और एक है विज्ञापनों की, जैसे मुरारी जी ने जो कल्चरल डोमिनेंस की बात कही, तो उसमें एक विज्ञापनों की दुनिया, ये दो चैप्टर बहुत ही शानदार हैं जो कि आपके अपने रियल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आप बच्चों को क्लास में ट्रांजेक्ट करते हैं या पर्सनल आपके एक्सीलेंस के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये दो चीजों पे आप सरसरी निगाह, कभी भी आपके पास स्पेयर टाइम हो तो आप देख सकते हैं। जी आई थिंक शीतल, हम लोग 1 घंटे मतलब करीब करीब पूरा कर चुके हैं, तो वी नीड टू टेक इट टू द लाइक कंक्लूजन। जी, बहुत सब लोगों का पार्टिसिपेशन, सब लोगों के विचार सुन के एक नया ही पर्सपेक्टिव सामने आया है, शीतल जैसे कि मैम, सर ने कहा। शीतल जी मैम बस 1 मिनट में आपको रोकूंगा कि इसके पहले जबकि हम आज के सेशन को कंक्लूड करें, हमारे बीच काफी अभी 30 के करीब पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, कोई भी अगर जी कहना चाहता है तो काइंडली आपका रिक्वेस्ट है, अपनी बात कह सकते हैं, फिर हम कंक्लूड कर देंगे। जी ठीक है शीतल मैम, आप कंक्लूड कर सकती हैं। दिव्या मैम भी यहाँ पर हैं, अजय सर भी हैं, माधवी मैम भी हैं, अगर कोई कुछ कहना चाहता है। जो भी कहना चाहते हैं, एक्चुअली यहाँ फोन से मैं जुड़ा हुआ हूँ तो इसकी एक लिमिटेशंस है, आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, मैं तुरंत अप्रूव कर दूंगा यहाँ से रिक्वेस्ट स्पीकर राइट का। बीच में भी कभी भी कर सकते हैं। हाँ फिलहाल आप सेशन सेशन को कंक्लूड की तरफ ले जा सकते हैं। आई थिंक मालती कुछ कहना चाह रही हैं, आप देखिए जरा उनको स्पीकर राइट भेज करके विकास। हाँ किसी का आया तो सुषमा सिंह मैम का आया है अभी, मैंने मैंने अप्रूव कर दिया है आपको, आप स्पीकर आइटम आपके पास आ गया है। क्या मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम बिल्कुल सुन पा रहे हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सुषमा है। मैंने आपका पूरा सेशन सुना और मैं वैसे साइंस की टीचर हूँ,
पर शीतल मैम ने जैसा कहा कि महिलाओं को हर तरीके से आगे आने की जरूरत है, और ये पूरा सेशन उसी के ऊपर हमारा हुआ है कि कैसे महिलाएं आगे नहीं आती हैं या उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि वो आगे आ पाए। तो जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, मुझे नहीं लगता कि सभी महिलाएं एक पॉलिटिक्स में जाना या उसमें आना पसंद करती हैं। तो वो जो एक नज़रिया है राजनीति को देखने का या किसी भी तरह का काम जो अगर एक महिला लीड करती है, तो उसको जो समाज जिस नज़रिए से देखता है, अक्सर हम ये देखते हैं कि कोई लड़की अगर क्लास में भी अगर खड़े होकर बोलती है, या कोई महिला चार आदमियों के बीच में अगर खड़े होकर बोलती है या कोई भी अपनी बात कहती है, तो उस बात का ना एक बहुत ही नेगेटिव सा प्रस्पेक्टिव सामने जाता है लोगों के कि भाई देखो ये तो कितना ज्यादा बोल रही है, या ये इसको इसको ये नहीं है कि आदमियों के बीच में खड़े होकर बात कर रही है। एक इस तरीके की जो ये सोच है, ये कहीं ना कहीं महिलाओं को पीछे खींचती है, उनके उनके आगे बढ़ने की इच्छा को रोकती है। तो जब ये थोड़ा सा इस सोच में अगर बदलाव आएगा, तो इतना तो विश्वास है कि हमारी शिक्षा नीति इन चीज़ों पे अच्छे से काम करेगी, कि जैसा कि मोनिका मैम ने कहा कि स्कूल से ही शुरुआत हो जानी चाहिए इस सोच की, कि कोई बात इस तरीके की ना हो लड़कियों के सामने जिससे उन्हें ये चीज फील हो कि हम किसी से कम हैं या लड़के ज्यादा आगे हैं। तो आई एम श्योर कि महिलाएं पॉलिटिक्स में या राजनीति में या घर के फैसलों में भी आगे बढ़ेंगी। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सुषमा मैम आपने, कि क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता या उसे किस नजर से देखा जाता है, और इसके पीछे रीजन भी यही है कि जो सक्षम है वो सुरक्षित है और जो सक्षम नहीं है तो वो असुरक्षा की भावना से हमेशा ग्रस्त रहता है। और ठीक है कि दुर्बल की सुरक्षा राज्य का काम है, राज्य कर भी रहा है, लेकिन फिर हमें दुर्बल रखना ही क्यों है, हमें उस वर्ग को भी सक्षम क्यों नहीं बना देना है। मोनिका मैम के पॉइंट से ही शुरू करते हैं कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से हमें परिवर्तनों को देखना होगा, हम शिक्षक उसी से जुड़े हुए हैं, और इसमें हमें शीतल मैम सॉरी अगर हम शीतल मैम सॉरी मैं आपको फिर से इंटरप्ट कर रहा हूँ, हमारे पास जस्ट अभी एक और स्पीकिंग के लिए रिक्वेस्ट आया था, अजय जी हैं, अजय सर ने भी जस्ट रिक्वेस्ट भेजा था तो मैंने उनको अप्रूव कर दिया है। सर काइंडली आप अपनी बात रख सकते हैं। सर अजय सर अभी लिसनर ही शो हो रहे हैं? नहीं अजय सर मेरे में तो स्पीकर शो हो रहे हैं, मैंने उनको भेज भी दिया है। आई थिंक उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है मैम, अब आप कंक्लूड कर सकती हैं। ओके, तो मोनिका मैम की बात से ही शुरू करते हैं कि हम स्कूलों में इस प्रतिनिधित्व की बात करें, तो क्यों ना हम स्टूडेंट विंग, एक ऐसी मजबूत स्टूडेंट विंग स्कूलों में बनाएं जो विमेन स्टूडेंट विंग हो और जो उनके राइट्स के लिए काम करे, जो उनके पार्टिसिपेशन के लिए स्कूल लेवल पे काम करे, अगर कोएड एजुकेशन है तो, और अगर कोएड एजुकेशन नहीं है तो भी एक विमेन स्टूडेंट विंग बने जो विमेन के सारे पर्सपेक्टिव, विमेन के सारे राइट्स और विमेन के आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उन पे काम करे, उन पे बात करे। तो स्कूलों से हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अभी जो मैंने एडवर्टीजमेंट की बात की कि फिर वहाँ भी पूरे सिनेमा में, पूरे एडवर्टीजमेंट में, क्योंकि हम उसको देख के सीखते हैं छोटे छोटे बच्चे, और फिर उन्हें लगता है कि मैं पापा का रोल करूंगा तो मुझे अखबार पढ़ लेना है, मैं मम्मी का रोल प्ले करूंगी, जब वो बच्चा रोल प्ले करता है तो मुझे किचन से बाहर आना है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो वहाँ भी उसे भूमिका निभानी होगी। इसके अलावा हायर पोस्ट पे अगर हम विमेन नॉमिनेशन स्टार्ट करें और ऐसा हमारी पहल हो, हमारे देश की पहल हो, तो ये एक बहुत बड़ा वर्ग ये सामने आ पाएगा। जैसे कि मुरारी सर ने कहा था कि जब प्रतिनिधित्व क्यों चाहिए, तो वहाँ यही बात आती है कि जब वहाँ वो बैठेंगे नीति निर्माता के रूप में तो वो डिसाइड कर पाएंगे। इसके अलावा हम ऐसा कर सकते हैं कि पार्टी लीडर, हमारे किसी भी पार्टी की लीडर हो वो विमेन अगर हो,
तो शायद दिशा और दशा बदल जाए। और जेंडर सेंसिटाइज वर्क कल्चर हमें शुरू से प्रोवाइड करना चाहिए, चाहे वो स्कूल से शुरू होकर के और किसी भी ऑफिस तक पहुंचता हो, तो वर्क कल्चर हमारा जेंडर सेंसिटाइज होना चाहिए। और जेंडर बजटिंग की पिछले कई वर्षों से लगातार बात चल रही है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर स्पोर्ट्स भी हो तो फिर उसमें विमेन का या जेंडर इशू को ध्यान में रख कर के फिर बजटिंग अगर हो, या किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर जेंडर बजटिंग को अगर ध्यान में रखा जाए तो शायद कुछ सूरत बदलने लगे। और कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके लिए नीयत बहुत बेहतर होनी चाहिए। और जिसकी बार बार हमने पॉलिटिक्स की बात की, तो विमेन रिजर्वेशन 50% या एटलीस्ट 33% अगर हम दे पाए तो फिर शायद हम जिस जेंडर डिस्पैरिटी की बात करते हैं वो कुछ सुधरने लगे। मुरारी सर या विकास सर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बहुत शानदार आपने इसको एक तरीके से कंक्लूड किया। एंड जो आप लोगों ने कहा, जस्ट एडिंग टू दैट, द लैंग्वेज एंड द ऑब्जेक्ट वी इंटरैक्ट विद दैट मेक्स शेप्स अस एज मैन और वुमेन, मतलब जेंडर के सेंस में तो बहुत जरूरी होता है। मोनिका जिसका जिक्र कर रही थी, मतलब भाषा को लेकर के, एंड जो आपने कहा कि यस हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना है, एंड ऑलरेडी बढ़ रहा है लेकिन उसको बहुत तेजी से बढ़ाना है ताकि डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में एक बड़ी भूमिका हो। तो फैंटास्टिक बातें आपने शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी। विकास आप ही इसको मतलब फाइनल अपने शब्दों में एंड कर लीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी यहाँ हमारे साथ जुड़े इस सेशन पे, और ये एक डिस्कशन बन के ना रह जाए, जरूरी है कि इस बारे में हम थोड़ा और मंथन करें, थोड़ा और सोचें। जो मैंने दो चीज़ें सजेस्ट की हैं, जो दूसरे विंग के टीचर्स हैं हमारे, उनको चाहें तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक बार उसको गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मोनिका मैम की जो बात है, ये एज ए टीचर्स की हमें ये वैल्यूज़ को अपने स्कूल लेवल से ही शुरू करना होगा, तभी जाके शायद जो एक कल्चरल हेजिमनी है, पुरुषों की डोमिनेंस है, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और सीधी सी बात है कि इकोनॉमी से जो चीज़ भी जुड़ जाती है वो पावरफुल बन जाती है। आप इसका सीधा एग्जांपल इंग्लिश के रूप में, भारत में चाहे लोग कितना भी हिंदी हिंदी चलाते रहें, इंग्लिश भाषा इतनी सशक्त क्यों होती जा रही है, इसका उदित सर ने ही एक सेशन में कहा था, जो हमारे बॉडी डायरेक्टर एजुकेशन है, कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इकोनॉमी से जुड़ी हुई है और यही कारण है कि वो बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मुरारी जी, एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम सबको प्रोवाइड करने के लिए, और विशेष रूप से धन्यवाद शीतल मैम का, जो आपने हमारे इन्विटेशन को इन्वाइट किया और आज के सेशन को बहुत ही शानदार तरीके से आपने संचालित किया। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल वंडरफुल डिस्कशन। बस मुझे एक आखिरी बात कहनी है कि अब देखना ये है कि हमारे SOSCs जो साइंस के लिए बने हैं स्पेशली, उसमें कितनी लड़कियां आती हैं और कितनी सक्सेसफुल होती हैं। मेरा तो बस अब ध्यान वहीं रहे। थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ